या उसी का प्रकोप है कि अभी तक ना पूरे आधे घंटे हो गए हैं और कोई भी कस्टमर ना मेरे दुकान पे आया है और ना दीपक भैया की दुकान पे आया है। फिलहाल मैं बना रहा हूँ मूंग चीला। लो भाई हवा हुआ चलना चालू हो गया, पानी गिरेगा थोड़ी देर में। थोड़ी सी भीड़ लगे भाई, सबके सबका डेट वाले ही कस्टमर है भैया लोग। वेलकम बैक टू माई डेली लाइफ चैट ब्लॉग, और मैं हूँ आपका भाई आज के सोनी। तो दोस्तों सबको जय श्री राम। और फिलहाल में दोस्तों आज है 28 तारीख। आई होप दोस्तों कि हर दिन की तरह आपके छोटे भाई का दिन काफी अच्छा जाए। तो फिलहाल हम लोग निकलते हैं बस स्टैंड की तरफ बाजार वगैरह करने के लिए, किराने दुकान से सामान वगैरह लेने के लिए, ठीक है। और यार पता नहीं गाड़ी में गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं है, ठीक है। ये पेट्रोल टंकी तक जा भी पाएगा कि नहीं, एक अलग से लोचा है। चलिए निकलते हैं, हम देखते हैं भाई। भाई ने मेरे को कमेंट किया था भैया बाइक का जब जरूरत होगा तो ही लेना। भाई बाइक का ना बहुत ज्यादा जरूरत है, बिना बाइक का ना मेरा दुकान खुल नहीं पाता, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, इसलिए ना मेरे को ना बाइक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ सामान का लाना है? जीरा लाना है। जीरा, आटा, सरसों, सब्जी में का लाना है? कटहल। सब्जी में कटहल लाना। अरे यार माँ सुबह सुबह कटहल नहीं मिलता है, सुबह सुबह मार्केट ही नहीं रहता तो कटहल कहाँ से मिलेगा। बढ़िया सब्जी, चल ठीक है देखता हूँ कुछ। इतना टाइम क्या है ना दोस्तों, अभी दुकान मार्केट लगी रहा होगा, अभी इतना टाइम कहाँ मिलेगा, मतलब 9-10 बजे के बाद सब्जी वगैरह मार्केट में चढ़ना चालू हो जाता है। चलिए देखते हैं जैसा भी रहे। बाजार वगैरह सब कुछ कर लिया है मैंने, मेरा सामान ले लिया है, लेकिन इनके पास ना धनिया पत्ती नहीं। एक लेडीज है वहाँ पास जो लगाई है, उनके पास धनिया होगा। चलिए आते हैं देखते हैं। ओ भाई हाँ बिल अभी बनाने हैं यार। टमाटर का रेट 15 रुपये, ऐसे खुला बाजार के दिन काफ़ी सस्ता मिल जाता है। धनिया का रेट है? ओ भाई फाइनली सामान निकल गया है, निकलते हैं अब हम लोग घर की तरफ। तो गाइस कटलेट बना के मैंने रख दिया है और चटनी वगैरह पीसने के लिए यहाँ पर रख दिया है, पूरा का पूरा सामान कम्प्लीट। ये देखिए आप लोग, मेरे ना पीठ में हल्का दर्द है तो मैं अभी जस्ट बिस्तर में लेट कर पीठ को जो है ना सीधा कर रहा हूँ, फिर चटनी वगैरह पीस लूंगा। और वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं हो रहा है, अभी ना 12 ही बज रहे हैं, 12:30 बजे बैठूंगा पीसने के लिए, ठीक है। तो 1 बजे तक कम्प्लीट ही पिसा जाएगा, फिर प्याज वगैरह काट के खाना पीना खा के नहा धो के 2:30 बज जाएगा, 3:30 4:30 बजे जाके आराम से मैं दुकान लगा लूंगा, ठीक है भाई। थोड़ा सा रेस्ट कर लो यार। लो भाई नमक उमक पानी उनी सब कुछ डाल लिए है, नारियल पेट वगैरह कम्प्लीट ही है पूरा का पूरा, इसमें थोड़ा सा बांध देता हूँ उसके बाद फिर बैठ जाऊंगा। और मैं भी गया था आम लेने, तो 2 चार आम लेके आया हूँ खाने के लिए, निकलते हैं। और कपड़ा वगैरह मम्मी धो के सुखाई है, एक नीला वाला नीला ही खाना निकल गया मेरा। और सब्जी है आज कचई का, आम है और दाल खा लेंगे। पहले इसको शक्कर के बाद देता हूँ डिश को। और फाइनली मैंने सामान वगैरह रख लिया है और चलिए निकलते हैं हम लोग फटाक से गोदाम की तरफ। जब तक नहीं जाऊँगा मैं, ठीक है, गाड़ी का थोड़ा सा काम वगैरह था, मम्मी कहीं कहीं जाना रहता है। यस ब्रो, इसी में जाऊंगा मैं आज, ले ले जाएगा तू? नहीं ले जाएगा सोनू तो बोल दे, मैं उतर जाऊंगा। हटाओ पत्थर है का? एक नंबर। अरे तू चढ़ किस यार, वो भी गाड़ी बंद हुआ था, वो भी ऐसा लगे तो बंद हो जाएगी। वगैरह कम्प्लीटली लगा ली हूँ, ऐसे सामान वगैरह तो निकाला नहीं हूँ मैं, और टाइमिंग लगभग वही 3:50 के आसपास हो रहा है। कम्प्लीटली पूरा रेडी नहीं हुआ है, बस इसमें बर्फ डालना बचा हुआ है और कटलेट वगैरह के लिए तेल में बैठा दिया हूँ गर्म होने के लिए। चलिए देखते हैं, एक दुकान लगा है, दीपक भी अपने दुकान लगा ही रहे हैं। भैया लोग कटलेट के लिए हैं, उधर भैया लोग भी कटलेट में हैं, और ये भैया कटलेट 4 पीस पार्सल ले रहे हैं, पार्सल ना। चलिए फटाफट निकालते हैं अपन। और दोनों आज का एकदम मस्त सॉफ्ट मिला है, एकदम हरा हरा। टाइमिंग ना भाई लगभग 5:30 के आसपास हो चुका है, पता है हम लोग जब आए ना तो दीपक भैया बोले ना भैया झुंझुना लेके नहीं आए, दोनों साथ में बजाएंगे। शायद उसी का असर है या उसी का प्रकोप है कि अभी तक ना पूरे आधे घंटे हो गए हैं और कोई भी कस्टमर ना मेरे दुकान पे आया है ना दीपक भैया की दुकान पे आया है। आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ बकरी बैल, बस अदर कोई भी नहीं आया है। कैसे दीपक भैया? अरे अभी दीपक भैया अभी दबेली को सहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, चटनी उतनी लगा के तैयार करके, कि
शायद भीड़ लगे, शायद भीड़ लगे, भीड़ लगेगा 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 एक टाइम के बाद, 6-7 बजे के बाद लगेगा। और एक खुशखबरी है, मार्केट रहेगा चाहे नहीं 40 पीस के आसपास का, लगभग 7:30 बजे के आसपास मेरा ऑर्डर आ गया है, ठीक है, मतलब बर्थडे वगैरह है वहाँ देना है, ठीक है। तो कुछ मेरे कटलेट जो है ऐसे भी आज लगभग 30-40 पीस के आसपास मैं कम लाया हूँ कटलेट, रीज़न कल बहुत सारे कटलेट मेरे अटक गए थे, हाँ हालांकि लेट तक रुकना पड़ा था, लेकिन भाई मेरे को पता है कि आजकल ना मार्केट बहुत ज़्यादा सुबह है, तो मैं सामान कम ही लेके आ गया हूँ, सबसे बेस्ट। उसके बाद 40 पीस का ऑर्डर भी आ गया है, और मुंगोड़ी एक ही बार निकाला है, चीला एक ही पीस अभी तक सेलिंग किया है, और लगभग 5.5 रुपये के आसपास सेलिंग कर लिया मैंने। और पूरा का पूरा चौपाटी जो है ना एकदम, ये देखिए आप लोग, पूरा का पूरा सुनसान है चौपाटी, थोड़ी सी भीड़ लगे भाई, सबके सब कटलेट वाले ही कस्टमर हैं भैया लोग, चलिए और कटलेट निकाल लेते हैं हम लोग फटाक से, तो फिलहाल में बचा नहीं कटलेट, फिलहाल में बना रहा हूँ मूंग चीला। लो भाई हवा हुआ चलना चालू हो गया, पानी गिरेगा थोड़ी देर में, इधर निकाल रहा हूँ मुंगोड़ी, मुंगोड़ी का पूरा स्टॉक बचा है, क्योंकि जब से आओ ना जब भीड़ लगा है तब से सिर्फ कटलेट ही निकल रहा है, और पार्सल भी देना 40 पीस तक है, फिर कटलेट ना जल्दी ही फिनिश हो जाएगा, कुछ भी निकले भाई निकल जाए बस। और भी दीपक भैया की दुकान पे दीपक भैया पूरा खाली ही है, पूरा चेयर वगैरह सब ऐसे भाई, तिरपाल एक तरफ से बांध लिया है, ऊपर का तिरपाल नहीं बांधा है मैंने, ये थोड़ा सा मुंगोड़ी बस उसको निकाल देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद कटलेट भी पार्सल करना है 40 पीस के आसपास। सबसे पहले व्हाइट वाला तिरपाल बांध लिया है मैंने, ऊपर से जो बांधना है वो नहीं बांधा है मैंने, ठीक है, सब लोग बांध रहे हैं भाई तिरपाल फटाफट, ये देखिए आप लोग जो पार्टी में एक तो खेले भी बहुत कम लगे हैं, और दीपक भी नहीं बांधे, मैं भी नहीं बांधा हूँ रीसर भाई, हवा इतना ज़्यादा चल रहा है, अगर तिरपाल बांधूंगा ना तो तिरपाल तुरंत फट जाएगा, इसके चक्कर में मैंने तिरपाल अभी तक बांधा नहीं है, और लगभग 10 मिनट के आसपास और बचा है, 10 मिनट के बाद ना मैं कटलेट निकालना चालू कर दूँगा 40 पीस के आसपास, जो मेरे को कटलेट पार्सल करना है, ठीक है, हल्का फुल्का पानी गिरेगा तो ठीक है, ज़्यादा गिरेगा तो क्या ही बोल सकता हूँ, 40 पीस पार्सल है, इसके बाद थोड़ा देर और वेट कर लेंगे। जितना ना निकल जाए भाई, लगभग 40 पीस के आसपास कटलेट पार्सल हो चुका है, ये 20 पीस मतलब 40 मतलब डबल डबल के आसपास, और बस ये 3-1 पीस के आसपास बचा है, जो कि 1 पीस पेचू काका को दूंगा और 1-1 किसी इधर दूंगा भैया लोग को, शीला भी लगभग लगभग फ्रेश ही है मेरे पास, बचा नहीं मुंगोड़ी बस बचा हुआ है भाई, अभी 9:30 के आसपास हो रहा है, फाइनली मैंने अपना सामान वगैरह सब कुछ कम्प्लीटली रेडी मतलब फिनिश कर लिया है, रेडी बोल रहा हूँ सॉरी भाई, फिनिश कर लिया है, कुछ भी नहीं बचा है, और 40 पीस कटलेट पार्सल करने के बाद थोड़े मोटे जो कटलेट बचे थे मुंगोड़ी बचे थे चीजा वो भी लगभग लगभग पूरा तो पूरा फिनिश हो गया, और मार्केटिंग ना आज 200-300 रुपये ज़्यादा किया है, जो मैं हमेशा सेलिंग करता हूँ जो आप लोगों को बताया हूँ, 45 की जगह 28 समझ रहे हैं आप लोग, भाई बहुत 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 ज़्यादा थक गया हूँ, एकदम सांस खुल रहा है, बहुत मुश्किल से बोल पा रहा हूँ यार, और मार्केटिंग ठीक ही ठाक रहा है मेरा, अचानक से एक ही बार हुआ, फिर एक दो जगह बर्थडे था तो वहाँ से भी कॉल आ गया कि पार्सल करना है, और कल भी कल 2 जगह मेरे को पार्सल देना था, लगभग 11-12 बजे के आसपास 100 पीस, और शाम को देना था 7:30 बजे 100 पीस, मतलब बर्थडे है तो वो अपने कॉलेज में भी देना चाहते थे पार्टी, उसके बाद फिर अपने घर में भी, तो 100 पीस दिन में बोले थे 12-1 बजे के आसपास, और 100 पीस शाम को, तो दिन वाला नहीं बन पाएगा भाई, 11-12 बजे के आसपास जितना ही बनेगा मेरे को कटलेट, तो मैं शाम वाला है ना जो लगभग 7-7.5 बजे के आसपास 100 पीस वो डन कर दिया हूँ, प्लस कल शनिवार है, मार्केट ऐसे भी नहीं रहेगा तो लिमिटेड सामान लाऊंगा, ठीक ठाक रहेगा भाई, क्या किस्मत है भाई, घर पहुँचते के साथ अगर सत्संग का प्रसाद ही मिल जाए ठीक है, तो क्या ही किस्मत है भाई, चलिए खाते हैं।